आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन न्यूज की खास पेशकश। आज की बात में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। राज्य के लखीमपुर स्थित गोला लोकार्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने अमन गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनय तिवारी पर दांव लगाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पूर्व की तरह इस उपचुनाव से भी अखिलेश यादव दूर रहेंगे, क्योंकि अभी तक मैनपुरी सीट पर किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। वहीं पर अगर देखा जाए तो लगातार झटके पर झटके अखिलेश सिंह यादव को मिल रहे हैं। आजम खान का साथ छूट गया, कहा जा रहा है कि आजम खान अब 9 साल तक राजनीति में कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ चाचा शिवपाल भी अब साथ नजर नहीं आ रहे हैं। शोक कुल में शामिल थे लेकिन अब नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रतीक यादव भी कहीं ना कहीं दूर ही है, अपर्णा यादव तो छोड़कर चली ही गई थी। तो ये तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या अब अकेले हो चुके हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव का दौरा प्रचार करने के लिए नहीं गए। हालांकि तब उनके जो चचेरे भाई हैं और आजमगढ़ सपा के उम्मीदवार भी रहे हैं धर्मेंद्र यादव ने इसका जवाब दिया कि उन्होंने कहा था कि उनकी पहले से ही उपचुनाव में प्रचार करने की ना जाने की परंपरा रही कि कभी भी वो प्रचार करने के लिए नहीं गए, ऐसा उन्होंने परंपरा के तौर पर बताया। ऐसे में भाई होने के नाते ये मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी मर्यादा और परंपरा को तोड़ें। ऐसा कौन कह रहा है? धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि वो मैं उनका भाई हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी परंपरा को नहीं तोड़ें। तो क्या किसी जगह जाना, जनता को लुभाना, जनता से बात करना, जनसंपर्क करना किसी परंपरा को तोड़ने लायक है? क्या एक परंपरा ये रूढ़िवादी है? ये यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट पर 1969 की बात लगातार वहां पर मौजूद रहे, वहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करते रहे, उनको कोई शिकस्त नहीं दे पाया। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव और किसी का निर्णय नहीं कर पा रहे, किसी को टिकट नहीं दे पा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि परंपरा के तौर पर वो वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं जा रहे हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं। हालांकि जब उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर सपा की हार हुई तो इस बात की काफी चर्चा हो रही कि अखिलेश यादव प्रचार में क्यों नहीं गए। आपको देखा होगा कि दो जगह से वो हार गए थे, आजमगढ़ और रामपुर से। बात यही खत्म नहीं होती है। दरअसल पहले भी अखिलेश यादव उपचुनाव प्रचार में नहीं गए थे। वहीं राजनीति पंडितों की माने तो वो हमेशा से उपचुनाव से दूर रहे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी संस्थापक और अपने पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वे राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव राजनीति से दूरी बना रहे हैं? उन्होंने नेताजी के निधन के बाद अब तक कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, वहीं उपचुनाव को लेकर अभी तक एक्टिव भी नजर नहीं आए। तो क्या होगा बताइए आप? जहाँ पर आप विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, आपको कम सीटें मिलती हैं, उपचुनाव में भी आपको हारने की पूरी, अब निकाय चुनाव पास में, वहाँ भी आप नहीं उतर रहे हैं, एक्टिव नहीं हो रहा, तो ऐसा होगा क्या? क्या मुलायम सिंह यादव की छवि अब अखिलेश यादव में नजर नहीं आएगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि शुक्रवार को नेताजी का हवन जो हुआ था वो शांत हुआ था, हवन जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले उनके निधन के बाद से ही तमाम धार्मिक कामों में वो व्यस्त रहे हैं अखिलेश यादव। इसके अलावा वो सैफई आ रहे हैं, लोगों के साथ भी दिखे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर वे उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। लोगों के साथ नजर आ रहे हैं शोक कुल के बाद, लेकिन प्रचार करने नहीं जा रहे, ये यहाँ पर बड़ा सवाल। दरअसल 3 नवंबर को गोला जो है वो लोकार्णनाथ सीट पर वोटिंग होगी, इसके लिए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन होगा क्या? पार्टी कमान किसके हाथ में होगी? शिवपाल चाचा क्या अखिलेश यादव का साथ दें? कहा जा रहा था कि जो शिवपाल चाचा है वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की कमान हुआ करते थे, मतलब कि वो सेनापति हुआ करते थे। अखिलेश यादव को क्या वो अब साथ देंगे? ये वहाँ पर बड़ा सवाल है, क्योंकि देखो शोक कुल के समय में दुश्मन भी आपके साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन क्या अब शोक कुल खत्म होने के बाद शिवपाल चाचा दूर हो जाएंगे? आजम खान चले गए हैं, शिवपाल चाचा अगर साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मजबूती मिल जाएगी। लेकिन ये गलत होगा कि आप अपनी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे, आपको परंपरा तोड़नी पड़ेगी, जनता से जनसंपर्क करना पड़ेगा, आपको मैनपुरी सीट के लिए टिकट की दावेदारी पेश करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कि सपा पार्टी आज वैसी ही मजबूत है जैसे मुलायम सिंह यादव के समय में हुआ करती थी। तो ये परंपराएं जो रूढ़िवादिता है आप उसको छोड़िए, आप जाइए, आप आजमगढ़ जाइए, आप रामपुर की सीट जो खाली हो चुकी है आजम खान के जाने के बाद, आप वहां जाइए, आप मैनपुरी सीट जाइए, लोगों से जनसंपर्क कीजिए, और जनसंपर्क के बाद आप तय कीजिए कि कहां के लिए कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूत साबित होगा ताकि आपकी जीत पक्की हो सके, नहीं तो वही हस्त्र आपका होगा जो कांग्रेस पार्टी का इस समय चल रहा है।
खैर हम दुनिया की तमाम खबरों को आपको दिखाते रहेंगे, आप हकीकत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या अखिलेश यादव अब एक्टिव होंगे कि नहीं उपचुनाव को लेकर, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। खैर हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे, आपको हकीकत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।